चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। बांदा तिरंगा वितरण समिति के द्वारा चलाए जा रहे पक्षी बचाव अभियान में उत्साहजनक सहभागिता करते हुए मौई बुजुर्ग गांव में श्री पूरन राय के डीडीवी चैनल ब्यूरो चीफ बांदा जनपद व उनके पिता सुखलाल बौद्ध विधानसभा सदर सचिव बसपा ने लकड़ी के घोंसले में दाना तथा मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर बांधा। इस आयोजन में अभियान संयोजक शोभा राम कश्यप बांदा भी सहयोगी रहे। आप लोगों का अभियान ये चलाया जा रहा है, पक्षी बचाओ अभियान 2010 से निरंतर चल रहा है। मैं शोभाराम कश्यप राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति का अध्यक्ष हूँ। 1992 से तिरंगे निरंतर बांटे जा रहे हैं। इस समय तो उनकी संख्या 42 हो चुकी है एक वर्ष में। उसी के अंतर्गत ये पक्षियों को बचाने का अभियान चल रहा है। 2019 से लगातार हम लोग लकड़ी के घोंसले और पानी के पात्र लगा रहे हैं। उसके पहले तक मिट्टी के बर्तनों में पक्षियों को बचाने का अभियान चला। अब तक 4724 स्थानों पर ये घोंसले लगाए गए। आज मवई ग्राम में बांदा जनपद के मवई ग्राम में हमने वरिष्ठ पत्रकार पूरन राय के आवास पर घोंसला लगाया है। उनके पिताजी सुखलाल बौद्ध जी भी वहां पर उपस्थित थे और इस समय हमारी समिति के द्वारा लगाए गए घोंसलों में लगभग 300 घोंसलों में चिड़िया गौरैया चिड़िया ने बच्चा रखा हुआ है। मुख्य लक्ष्य गौरैया को बचाने का, बाकी और चिड़िया भी बच जाए क्योंकि इस समय गौरैया के बच्चे रखने का समय चल रहा है। और हम लोगों का ये अभियान और ये लक्ष्य है कि जब तक हम लोग गौरैया को दुखी हुआ है ऑक्सीजन पैदा करने वाली पौधों को